खोराबार थाने की पुलिस टीम ने एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस के साथ एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान महेंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय राजमन निवासी ग्राम सोनवे ढोल बजवा थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। खोराबार पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के खड़बड़ तिराहा के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबार थाना प्रभारी निरीक्षक नासिर हुसैन, उप निरीक्षक रवि कुमार, कांस्टेबल मिथिलेश यादव और मुरलीधर शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैन सुमित शुक्ला ने कहा, सर खोराबार पुलिस ने एक अभियुक्त को एक तमंचा और एक कारतूस के साथ गिरफ्तार किया, क्या मामला? कल एक व्यक्ति का फोटो सोशल मीडिया वायरल हुआ था, जिसमें वो एक 12 बोर तमंचा लिए दिखाई दे रहा था। पुलिस ने उस फोटो को, जैसे पुलिस के पास वो फोटो मिला, पुलिस ने संज्ञान लेते हुए तत्काल उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से वो तमंचा बरामद किया गया और आज उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है।